सो वेलकम टू डिप्लोमेट फ्रॉम होम। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन इन इंडिया। सो सबसे पहले हम बात करें टैक्स का मतलब क्या होता है। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, ये कंपल्सरी पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। और ये गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेती है? बाय द वे ऑफ लेजिस्लेशन। सो अगर हम सेंटर स्टेट के रिलेशन में देखेंगे तो ये जो टैक्सेशन वाली है फाइनेंशियल रिलेशन है, ये बात करता है आर्टिकल 268 से लेकर 293 पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस पे क्या है, सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन कैसे है वो बात करते हैं हम। ठीक, तो हमने ये देख लिया टैक्स के आर्टिकल कौन सी और टैक्स का मतलब क्या है। तो जो भी सेंटर टैक्स लेती है वो यूनियन लिस्ट में, सेंटर की जो टैक्स की लिस्ट होती है वो यूनियन लिस्ट में होती है, और स्टेट की स्टेट लिस्ट में, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वहां पर सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स ले सकती है। पर अगर सेंटर अगर कोई लॉ बना दे तो सेंटर के पास वो टैक्स जाएगा, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्स रखी गई है तो। अब हम ये देखते हैं टैक्स हम कलेक्ट करते क्यों है, इसका पर्पस क्या है, टैक्स को कलेक्ट करने का पर्पस क्या है। इससे टैक्स कलेक्ट करने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू अपटेंड होता है, और इस रेवेन्यू से गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर वाली एक्टिविटीज करती है। और टैक्स से क्या होता है ना कि जो रिप्राइजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्रोड्यूसर सब्सिडीज, तो रिप्राइस किया जाता है टैक्सेस का। और तीसरी अगर पर्पस की बात करें तो यहां पर होता है फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रेवेन्यू रिसोर्स होता है उनका फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये किस तरीके से होता है, वे ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन एंड कंज्यूमर सब्सिडी को देकर होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक होता हमारे घर पे आता है रेड सिलेंडर, जो कि यहाँ पर ये जो रेड सिलेंडर होता है, रेड सिलेंडर ये घर के पर्पस के लिए यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, और यहीं पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। पर जो ब्लू सिलेंडर होता है ना, ये कॉमर्शियल पर्पस के यूज के लिए होता है, पर जो गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी नहीं देती है ब्लू सिलेंडर वालों को, तो क्या करते हैं कि जो ये फिर भी जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए रेड सिलेंडर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें सब्सिडीज मिल सके, टैक्स की जो बेनिफिट्स है वो सब मिल सके। तो ये पर्पस होता है गवर्नमेंट का टैक्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब रेवेन्यू रिसोर्स है उनका रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो, और रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक तरफ से। तो एक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि टैक्सेशन जो इकोनॉमिक के होता है, टैक्सेशन इज द इकोनॉमिक क्लू दैट बाइंग पीपल्स विद गवर्नमेंट, इट क्रिएट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बोथ साइड। तो टैक्स एक टैक्स का पर्पस है रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना बोथ साइड में। अगर सरकार को अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम ये एक्सेप्टेशन लगा के बैठेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटी वाली काम करेगी, और सरकार ये सोचती है कि अगर हमें टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तब जाकर के हम अच्छे फैसिलिटीज, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छे वेलफेयर एक्टिविटीज का काम हम कर सके। तो गवर्नमेंट ये सोचती है टैक्स के बारे, और हम ये सोचते कि हमें गवर्नमेंट से कुछ हेल्पफुल एक्टिविटीज मिले जिसपे हम इंगेज हो सके, जिसपे हम अपना एम्प्लॉयमेंट और अपना जो पेट को रख सके। अब इसके बाद जब टैक्स होते हैं ना, तो टैक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है ये भी, पर जो जो मैन्युफैक्चर है या तो वो नहीं होता, जो कंज्यूमर होता है। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ गया, अगर आप कोई लेस की पैकेट खरीदोगे या कोई भी आप गुड्स खरीदोगे ना, तो उस पर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स आप ही को पे करना है। वो जो होलसेल वाले हैं ना, वो जो शॉपकीपर वाले हैं, वो आपका टैक्स, आपके सामान का टैक्स वो पे नहीं करेंगे, वो भी टैक्स पे करेंगे पर वो आपके प्रोडक्ट का टैक्स पे नहीं करेंगे। वो जो बेच रहे हैं उनको जो प्रॉफिट हो रही है उनमें वो टैक्स को पे करेंगे, पर जो आप ले रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा।
और इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स फॉल ऑन सेम पर्सन। तो देखो डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है और इनका जो इम्पैक्ट है वो उसी पर्सन पे पड़ता है जो इस टैक्स को पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जो इसका जो डिफरेंट, इसका जो इम्पैक्ट है और इंसिडेंस है वो किसी दूसरे पर्सन में फॉल करता है। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, आप अगर मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, आप मेरे से कोई सामान लेंगे तो उस सामान का टैक्स आप दे रहे हो, मैं प्रॉफिट का टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, इतना तो पता है, पर वो जो प्रोडक्ट है ना, वो जो गुड्स आपने लिया उसका टैक्स आपको देना होगा। सो ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल, तो इनकम टैक्स, जो इनकम पे टैक्स दिया जाता है ये डायरेक्ट टैक्स है। और कॉरपोरेशन टैक्स, जैसे कोई कंपनी है जैसे कि रिलायंस हो गई, फिर आपका एयरटेल हो गया, ये सब कॉरपोरेशन है और ये सब को भी डायरेक्ट टैक्स ही पे करना पड़ता है। और यहाँ पर वेल्थ टैक्स, आपकी जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टीज है, उस पे ये टैक्स लगता है। और अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल, तो यहाँ पर वैट आ जाता है, सर्विस टैक्स आ जाता है, जीएसटी आ जाता है, एक्साइज ड्यूटी आ जाता है, इंटरटेनमेंट टैक्स आ जाता है, कस्टम ड्यूटी आ जाती है। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर का बात कर रहा है, तो यहाँ पर बात कर रहा है प्रोग्रेसिव है, इसकी जो नेचर ये प्रोग्रेसिव है। अब ये क्यों है प्रोग्रेसिव इसकी नेचर, क्योंकि अगर आप देखोगे, एक मिनट रुक जाओ, मैं इस पे बताने के लिए ना आपको टैक्स स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो देखो इंडिया में ये टैक्स स्ट्रक्चर है, जिनकी 2.5 लाख तक की इनकम है उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और जिनकी 2.5 लाख से 5 लाख इनकम है उन्हें 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिनकी 5 लाख से 10 लाख इनकम है उन्हें 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिनकी 10 लाख से ज्यादा उन्हें 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो प्रोग्रेसिव है ना ये, धीरे धीरे टैक्स बढ़ रही है। अगर जिनके पास कम पैसा है उनसे सरकार टैक्स नहीं ले रही है, पर जिनके पास है उतना कि वो टैक्स दे सके, टैक्स में कंट्रीब्यूट कर सके, उनसे ली गई है ये टैक्स। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में देखें तो ये रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव क्यों? क्योंकि पुअर हो या कोई रिच हो, अगर वो कोई एक अगर लेस की पैकेट खरीदता है तो एक पुअर भी उतना ही टैक्स पे करेगा और जितना कि वो रिच पे करता है। पर डायरेक्ट टैक्स में क्या है, रिच को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है एज कंपेयर टू दी पुअर। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है टैक्स का, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का लेने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सो बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ऐसे इसे इंश्योर करते हैं। अ पर्सन अर्निंग मोर शुड कंट्रीब्यूट मोर इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस बाय पेइंग मोर टैक्स। दिस प्रोविजन इज ऑल्सो नॉन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो जिनकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, जिनकी कम है वो कम टैक्स पे करेंगे। और सरकार उन्हें भी हटा के रखा जिनकी 2.5 लाख की इनकम से नीचे अर्न होता है, जिनका ईयरली उनसे टैक्स ले नहीं रही है। तो और सोशल बेनिफिट तो ये ऐसे कर रही है कि डायरेक्ट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इनकम में, ये एक ऑब्जेक्टिव है। और इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होता है, अगर ज्यादा टैक्स मिलता है तो गवर्नमेंट कुछ अच्छे स्टेप लेती है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स में बात करें तो यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करें, व्हेन एन इनडायरेक्ट टैक्स इज लेवी ऑन अ प्रोडक्ट बोथ रिच एंड पुअर मस्ट पे एट सेम रेट। जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादा कमाए या कम कमाए टैक्स आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। पर्सन अर्निंग 10 लाख अ मंथ पे द सेम टैक्स ऑन वीट एज द पर्सन अर्निंग 3,000 रुपीज पर मंथ इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। और जो इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो इन्फ्लेशनरी नहीं है, डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन नहीं आता, पर इनडायरेक्ट टैक्स में इन्फ्लेशन दिखता है। क्यों दिखता है? अगर किसी प्रोडक्ट का अगर कोई सामान अगर नहीं बिक रही है तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जा रहा, ठीक ना? तो इससे पता ये चल रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, आदमी के पास मतलब पीपल्स के पास, सिटीजन के पास पैसे कम है तो वो डिमांड कम कर रहे हैं। तो ये हमें इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन है या नहीं ये इंडिकेट करता है, पर जो डायरेक्ट टैक्स है हमें ये इन्फ्लेशन इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती। अगर अगर कोई जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले या जो भी सर्विस में है, प्राइवेट में हो या कोई कॉरपोरेशन हो, वो तो रेगुलर टैक्स पे कर ही रही है, पर अगर जहां पर प्रोडक्ट्स की बात आ जाएगी तो वो प्रोडक्ट्स डिमांड पे डिपेंड करता है कि वो डिमांड उतनी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो टैक्स भी आएंगे गवर्नमेंट, अगर डिमांड नहीं किसी चीज की होगी तो वो चीज बिकेगी भी नहीं, तो टैक्स फिर कैसे होगा? तो हमने ये देख लिया, हमने टैक्स के बारे देखा,
टैक्स की आर्टिकल याद रखना आपको, आर्टिकल 268 से 293 है इसकी आर्टिकल, पार्ट 12 में आता है। और टैक्स अगर लाया गया था, किसने लाया था टैक्स, हु इंट्रोड्यूस टैक्स इन इंडिया, जेम्स विल्सन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टैक्स को इंडिया में। फर्स्ट और पहला इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1860 में, पहला इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1860, याद रखना है। और ये जेम्स विलियमसन, टू ओवरकम हैवी लॉसेस सफर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यू टू इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट इन 1857, तो 1857 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने को लॉस हुआ था उसके चलते इन्होंने 1860 में इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और टैक्स जो इंडिया में वो तीन पीरियड्स में डिवाइडेड है, ओके। और ये देखो, ये डिफरेंट टाइप की टैक्स है, ठीक ना। तो इनकम टैक्स तो आप जान रहे, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये सब ही पढ़ना हमें अच्छे से। अब देखो, जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना वो तीन टाइप की होती है। एक होती यूएसए इंटू थ्री मेन कैटेगरी, यूएसए इस तीन कैटेगरी में फॉल करता है। एक होता है रिग्रेसिव, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अब प्रोपोर्शनल, ये इंडिया में नहीं है, और एक प्रोग्रेसिव, ये इंडिया में है, ओके। और इंडिया में कितने सारे टाइप्स के टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि एक प्रोग्रेसिव नेचर का है, एक रिग्रेसिव नेचर का है। सो अब इसके बाद हम देखेंगे एड वैलोरम और एक होता है स्पेसिफिक टैक्स, ये एक टैक्स है, ये एक टैक्स है। तो एड वैलोरम टैक्स जो होता है वो टैक्स लगता है किसी किसी की वैल्यू के ऊपर लगता है, ठीक ना, क्वांटिटी के ऊपर नहीं, उस वैल्यू, उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से एड वैलोरम टैक्स लगता है। और स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट में उसी क्वांटिटी को देख करके उस पर लगाया जाता है टैक्स, पर ये वैल्यू पे, एड वैलोरम वैल्यू पे टैक्स लगाया जाता है, और स्पेसिफिक टैक्स ये उसकी क्वांटिटी और उनका अमाउंट पे देखकर लगाया जाता है एड वैलोरम टैक्स। और ये जो एड वैलोरम टैक्स है ना, ये इनका एक्सप्रेशन भी ऐसा ही रहता है जैसा कि जीएसटी का है स्टेज स्लैब। तो जीएसटी की पास स्लैब होती है, एक 0% टैक्स लगता है किसी प्रोडक्ट में, एक फिर किसी में 5%, किसी में 12%, किसी में 18 और एक 28%। तो एड वैलोरम टैक्स ये भी इसी तरह लगता है, एक परसेंटेज में लगता है, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में लगता है। तो अगर इसकी बात करोगे, इसकी एग्जांपल एड वैलोरम टैक्स की एग्जांपल, तो यहाँ पर जीएसटी आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है, सेल टैक्स आ जाता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उतना टैक्स दिया जाएगा, इस हिसाब से इसे परसेंटेज में बांटा गया है। और ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, मतलब क्या, जो रिच है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, जो पुअर है उनसे कम टैक्स लिया जाएगा। और स्पेसिफिक टैक्स क्या होती है, ये किसी वॉल्यूम पे लगाई जाती है, उसकी क्वांटिटी पे, उसके अमाउंट पे फिक्स की जाती है। और ये स्पेसिफिक दिखाता है, मतलब जैसे कि एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल में लगता है, तो पेट्रोल में अगर हम सब अगर पेट्रोल लेते हैं तो क्या किसी से कम पैसे लिए जाते हैं, नहीं, सबसे बराबर पैसे लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये रिग्रेसिव नेचर होगा। और एग्जांपल भी देख सकते हैं स्पेसिफिक टैक्स का, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड लिकर प्रोडक्ट। अब टैक्सेस इन इंडिया, तो इनकम टैक्स एक है, ओके। और जो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम कहां से आता है गवर्नमेंट को, तो एक आता है पर्सनल इनकम टैक्स है और एक आता है कॉर्पोरेट टैक्स है। तो इनकम टैक्स लेवी की जाती है इंडिविजुअल के इनकम में, जैसे कि जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या अनरजिस्टर्ड फर्म है एंड अदर एसोसिएशन ऑफ पीपल। इन इंडिया द नेचर ऑफ इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव, हमने देखा। फॉर टैक्सेशन पर्पस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स इज एडेड एंड टैक्स एज पर द इनकम टैक्स स्लैब ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स इनकम स्लैब से ये की जाती है। अब सरचार्ज एक होता है, अब ये सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज 10% लगता है इनकम में, इनकम टैक्स में सरचार्ज 10% लगाता है वेयर टोटल इनकम एक्सीड। अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है और एक करोड़ तक है, तो वहां पर 10% सरचार्ज लगता है। अब ये सरचार्ज क्या होता है बता सकते हैं आप? और अगर जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उन पे सरचार्ज कितना लगता है, ये भी बता सकते हैं? और सरचार्ज होता क्या? तो सरचार्ज एक टैक्स होता है जी, और इसकी पर्पस डिफाइन नहीं होती कि गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए ये टैक्स ले रही, ये टैक्स मतलब कि सरचार्ज, ये टैक्स है। तो इसकी, और ये इनडायरेक्ट भी होती है, डायरेक्ट भी होती है, और इस पे गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स कलेक्ट करती है। आपके डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स
तो लेती ही लेती है, पर ये एक सरचार्ज एडिशनल 10% टैक्स रहती है, ठीक ना। तो ये इसकी पर्पस डिफाइन नहीं होती कि ये किस पर्पस से टैक्स लिया जा रहा है। तो सरचार्ज अगर 15% है तो उसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। और कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स आपका देखो, अगर असेसमेंट ईयर 2017-18 द टैक्स रेट विल बी 29% वेयर टर्नओवर और ग्रॉस रेशियो ऑफ कंपनी डज नॉट एक्सीड। अगर किसी कंपनी की 5 करोड़ से ज्यादा अगर इनकम नहीं जाती है, मतलब प्रॉफिट नहीं जाती है, तो 29% यहाँ पर टैक्स रेट था 2017-18 में। अब 18-19 में क्या किया गया, 25% किया गया है, और जिसकी इनकम 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ग्रॉस रिसीट ऑफ कंपनी डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 2015-16। तो 2015-16 के हिसाब से जिनकी इनकम 50 करोड़ के ऊपर नहीं गई है उन्हें 25% टैक्स लगेगा। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लेवी किया जाता है? तो जो कॉर्पोरेट फर्म होती है या कॉर्पोरेशन कोई कंपनी होती है और कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन पे ये कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो ये टैक्सेशन पर्पस के लिए किसी कंपनी को एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है कि वो पे कर सके अपना सेपरेट टैक्स, जो कि पर्सनल टैक्स से डिफरेंट होता है। तो कंपनी जो पब्लिक रजिस्टर कंपनी 1956-8 की, वो लायबल है कि वो पे करे कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, तो हमने ये यहां तक देखा, कॉर्पोरेट टैक्स से देखा। फिर हम यहां पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।